नमस्कार एंड वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, उनके एग्जांपल्स और यूजेस के बारे में कि कौन कौन से प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जनरली यूज़ किए जाते हैं, किस जगह यूज़ किए जाते हैं और किस पर्पस को फुलफिल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो कम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रीपोजिशन हमारा है एट। एट का यूज़ हम दो काम के लिए करते हैं। पहला, जब हमें किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बताना हो कि कोई पर्टिकुलर चीज़, कोई पर्टिकुलर नाउन किस स्पेसिफिक प्लेस पर मौजूद है, किसी शॉर्ट स्पेस में हो, किसी सिटी के किसी मार्केट में हो, या किसी बिल्डिंग में हो, या कमरे के किसी पार्ट में हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट का। तो फर्स्ट है फॉर, स्पेसिफिक लोकेशन, लोकेशन। एग्जाम्पल, ही इज स्टैंडिंग एट खान मार्केट। खान मार्केट एक स्पेसिफिक लोकेशन हो गई, एक पर्टिकुलर मार्केट हुई, उसका नेम, प्रॉपर नाउन। और एट हमने यूज कर दिया एज प्रीपोजिशन। सेकेंडली, एट का यूज हम फॉर जनरल नेबरहुड भी करते हैं। जनरल नेबरहुड, मतलब हमारे, हम जिस जगह पर हैं उस पर्टिकुलर जगह के आसपास ही अगर कोई चीज़ प्लेस्ड है तो उसके लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल मींस हम भी उसी कमरे में है, डाइनिंग रूम में ही है, बट हमें किसी पर्सन को बताना है कि वो डाइनिंग टेबल पर ही है, उसी कमरे की एक जनरल नेबरहुड में मौजूद है, तो वहाँ के लिए हमने जो है हैट यूज़ किया। ये हो गया जनरल नेबरहुड और ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अगर आप प्रीपोजिशंस के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, उनकी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से विजिट करें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टिल देन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।